बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ शुक्र अल्लाह पाक का। शाम का टाइम है माशाल्लाह, आज काफ़ी अच्छा मौसम है। और अम्मी जी कर रही हैं ऊपर कुकिंग, और देखती हूँ अम्मी जी आज क्या बना रही हैं, क्या क्या डिशेस होंगी आज इफ्तारी में। और चलो स्टार्ट करती हूँ मैं अपना आज का व्लॉग, और आपको दिखाती हूँ कि आज का मेन्यू क्या है। देखिए ज़रा माशाल्लाह से अल्लाह ताला जी ने जो है वो मौसम ज़रा ठंडा कर दिया है, और ज़रा नहीं माशाल्लाह से काफ़ी ठंडा मौसम कर दिया है। और मुझे लगता है कि इर्द गिर्द जो है वो कहीं बारिश हो रही है ना। हाँ, बारिश हो रही है और बहुत ही ज़्यादा बर्फीली ठंडी हवा आ रही है। बिल्कुल माशाल्लाह से रोज़ा ठंडा हो गया है। बिल्कुल, और गर्मी का तो नाम निशान नहीं है, इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठंडी हवा चल रही है, मुझे ठंड लग रही है। मुझे लगता है रात को बारिश आ जाएगी, इतने बादल है, गहरे आए हुए हैं, गहरे बादल है। देखिए जरा, हाँ व्यू देखिए आप, ये देखिए हमारी कलोनी का व्यू, और बहुत ही बादल है हर तरफ, बहुत ही ज्यादा प्यारा आज का मौसम है माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, अल्लाह माँ का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि ठंडा मौसम हो गया है। बिल्कुल, और अम्मी जी अफ्तारी में, अम्मी जी जो है वो अफ्तारी का सामान वगैरह बना रही हैं। बिल्कुल, पकौड़े वगैरह अम्मी जी बना रही हैं, और साथ में जो है हमने सालन बनाया है, तो दाल बनाई है आज हमने, उसकी माश की दाल ना आज, तो साथ में अम्मी जी पकौड़े निकाल रही हैं, और साथ में जो है मैं चिकन पैटी बर्गर बनाऊंगी, और सामान वगैरह सारा मैंने मंगवा लिया है। रिदा, मुझे आपके ये बर्गर बहुत पसंद आए, लास्ट टाइम आपने बनाया था बहुत ज़बरदस्त बनाया था, मुझे बहुत पसंद आया। हाँ इजी भी है, मुझे बहुत पसंद आया ये बर्गर जो है, उसमें बहुत ज़्यादा थपकपा पड़ा है। बिल्कुल हाँ, और आए देखे यहाँ शरारतें कर रही है, जुहान क्या कर रहे हो, जुहान क्या कर रहे हो, मोहम्मद जुहान। माशाल्लाह रिदा, आज मौसम काफ़ी काफ़ी अच्छा है। वैसे ना पहले गर्मी हो गई थी, ये लास्ट वीक काफ़ी गर्मी रही है, तो अब माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मौसम है शाम से, तकरीबन 4 बजे से काफ़ी ठंडा मौसम हुआ है ना। बिल्कुल, हालांकि सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और अभी जो है रात को, हालांकि हमने लोनों के कपड़े निकाले हैं पेटी में से, हमने जो है वो आपको ईद की शॉपिंग भी अपनी दिखानी है। बिल्कुल, ईद की शॉपिंग वगैरह तो हमने कल ही बस व्लॉग नहीं बना हुआ, इंशाल्लाह कल को या परसों को जो है वो व्लॉग बनाएंगे इसका पूरा, फिर अपलोड करेंगे कि कौन कौन सी हमने शॉपिंग की है। और अभी जो है हम लोग नीचे चलते हैं, और देखते हैं अम्मी जी ने जो है पकौड़े निकालने शुरू कर दिए हैं, और साथ में जो है मैं भी सामान वगैरह रेडी करती हूँ, बर्गर तो और खाना वगैरह तो हमारा सालन वगैरह तो अम्मी जी ने बना दिया था, और अभी चलते हैं नीचे और सामान वगैरह रेडी करते हैं। चले सोहान, चले नीचे। नीचे हम लोग आ गए हैं, और देखिए जरा अम्मी जी जो है पकौड़े निकाल रही हैं। अम्मी जी आपने पकौड़े निकालने शुरू कर दिए हैं? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, तो कह रहे वालेकुम सलाम अम्मी जी। अम्मी जी के हाथ के पकोड़े बहुत ही मजेदार लगते हैं। अम्मी जी हमारे एक फैन है, वो उन्होंने कहा था कि मैं बैठी तो बाहर के मुल्क में हूँ, तो मेरा दिल बड़ा कर रहा है कि मैं आंटी जी की है वो डिशेस खाऊं, तो मैंने उनसे कहा कि मोस्ट वेलकम, जब भी आप आना चाहें। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप आंटी जी बहुत मजे के खाने बनाती हैं, दिखने में इतने मजेदार लगते हैं, तो वो खाने में कितने होंगे वो? हमारी तरफ से वेलकम है। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सब कुछ है हमारी तरफ से वेलकम। और अब आपको दिखाते हैं लुक, ये तो आप लोगों का प्यार है कि आप लोग हमारी वीडियोस जो है वो इतने शौक से देखते हो। अभी और रहते हैं, मिक्सचर रहता है, इसको भी हम बनाएंगे। रोजा हमने माशाल्लाह से इफ्तार कर लिया है, और अभी जो है मैं बर्गर तैयार कर रही हूँ, और साथ में जो है ये देखिए जरा मैं चिकन पैटी वगैरह ये फ्राई कर रही हूँ, कच्ची है ये, और ये हो रही है फ्राई जरा माशाल्लाह। और मैंने जो है ये मायनीस वगैरह तैयार की है, इसमें मैंने नमक और काली मिर्च डाली है मायनीस में, और केचप ये वाला मैं यूज़ करूँगी, ब्रेड है, और साथ में जो है मेरे पास बंद गोभी है। जैसे हमारी चिकन पैटी वगैरह हो जाएंगी फ्राई, तो फिर जो है मैं बर्गर बनाने स्टार्ट करूंगी। हाँ जी भी बच्चों तैयार हो बर्गर खाने के लिए, आए जुहान तो बेचारा दूध ही पिएगा, जुहान को भी खिला देंगे। हाँ
और यहाँ देखिए हैं अम्मी जी बिठा रही हैं सुहान को कार के ऊपर। भाई गिर जाएगा बेटा। आज देखिए माशाल्लाह खिला रही है जुहान को। वो माशाल्लाह माशाल्लाह। आज गिरा ना देना भाई को। अच्छा हादिन की तस्वीर ना लो। अच्छा हादिन दो चिकन पैटी मैंने फ्राई कर ली है। अच्छा और अभी जो है मैं बर्गर तैयार करने लगी हूं। अच्छा सबसे पहले मायोनीस लगाएंगे। हाँ मायोनीस। अच्छा मैं आपको पिज़्ज़ा हट वाले भी ऐसे करते हैं। और मैं आपको लुक दिखाती हूँ, ये चिकन पैटी की बहुत ही ज़बरदस्त लुक है। पिज़्ज़ा हट वाले भी ऐसे करते हैं, सबसे पहले मायोनीस लगाते हैं। अच्छा फिर ऊपर जो है ये थोड़ी सी लगा लेते हैं बंद गोभी। अच्छा 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 अब जो है इसके ऊपर मैं लगाऊंगी केचप। ये देखें पैटी में सिस्टर लगा रही हैं। मेयोनीज लगा दी है मेरी सिस्टर ने ब्रेड के ऊपर, बंद गोभी भी लगा दी है। अब केचप वगैरह लगा रही हूँ। चिकन पैटी भी लगा दी है, अब केचप लगा रही है वो। देखो ज़रा हाथ क्या फाइनल हमारा हो गया है बर्गर रेडी। देखो ज़रा बहुत ही ज़बरदस्त बर्गर रेडी हुआ है हमारा। ये देखिए वाओ वाओ ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त रेडी हुआ है ना। बहुत ज़बरदस्त। रात का वक्त है, खाना वगैरह हमने खा लिया है और अब मैं इस ब्लॉग कहीं पेंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया। अगर आपको मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।